टॉपिक पढ़ते हैं। नाउन होता है किसी भी चीज का नाम, प्रोनाउन होता है एट द प्लेस ऑफ नेम। ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, और एट का मतलब होता है प्लस करना। तो बेसिकली एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, नाउन में कुछ ऐड करना, प्रोनाउन में कुछ ऐड करना क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ऐसे शब्द जो या तो नाउन में कुछ ऐड करें या प्रोनाउन में कुछ ऐड करें उन्हें इंग्लिश कहती है एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने बोला सोहन इज अ गुड बॉय। अब यहां पे ये जो गुड है ना बेटा, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। गुड शब्द किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव की इंग्लिश में तीन डिग्रीज होती है, तीन डिग्रीज होती हैं। पहले डिग्री का नाम है पॉजिटिव, दूसरी डिग्री का नाम है कंपैरेटिव, तीसरी डिग्री का नाम है सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री किसी एक के लिए, कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के लिए, और सुपरलेटिव बहुत सारों में से किसी एक के लिए। जहां जहां भी आप किसी एक की बात करेंगे डिग्री पॉजिटिव होगी, दो लोगों की बात करोगे तो कंपैरेटिव होगी, बहुत सारों की बात करोगे तो सुपरलेटिव होगी। कैसे मैम? देखो एग्जांपल से समझाती हूं। मैंने कहा सुहानी इज अ गुड गर्ल, एक मैंने कहा सुहानी इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहिनी, और तीसरा मैंने कहा सुहानी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस क्लास। देखो ध्यान से बोर्ड पे देखते रहना। गुड जो है यहां पे पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है तो डिग्री पॉजिटिव। मोर इंटेलिजेंट यहां पे कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि ध्यान से देखो दो लोगों की बात हो रही है। और मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि ध्यान से देखो पूरी क्लास में से सुहानी की बात हो रही है। समझ पाए? तो जहां जहां बात एक की करोगे डिग्री पॉजिटिव, जहां जहां बात दो की करोगे डिग्री कंपैरेटिव, जहां जहां बहुत सारे लोगों को दिखाने लग जाओगे तो डिग्री सुपरलेटिव आएगी।